यूक्रेन में जंग के हालात है। जंग के बीच में से खंडवा की बेटी दर्शिका अपने वतन वापस लौटी है। आइए जानते हैं दर्शिका से कि वहाँ पे किस तरह के हालात हैं। दर्शिका जी बताएं वहाँ पे क्या हालात है आपके। अभी तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अभी आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी, कल रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, तो काफ़ी ज़्यादा अभी तो सिचुएशन ख़राब है वहाँ पे। हाँ, जब मैं वहाँ थी तो ऐसी ऐसा सच कोई सिचुएशन नहीं थी उस टाइम पे। मतलब हाँ, सब लोग पैनिक हो रहे थे क्योंकि ऐसा न्यूज़ पहली बार आई थी, ऐसे लाइक हमने पहली बार ऐसा सब कुछ देखा था, तो थोड़े सब लोग पैनिक तो हो रहे थे, बट हाँ इतनी नहीं थी सिचुएशन ख़राब, हम लोग सब सेफ थे वहाँ पे, मैं ये कह सकती हूँ। बट अभी मैं ये बिल्कुल नहीं, अभी तो कोई भी वहाँ पे सेफ नहीं है। तो बस यही है कि वहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं, जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे, जितने भी सब लोग हैं वहाँ, उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए और वो जल्दी से जल्दी अपने घर सेफली पहुँचें। वहाँ पे जो छात्र किस भय में जी रहे हैं, क्या माहौल है उनका। अभी तो बहुत ज़्यादा, अभी मेरी बहुत से फ्रेंड से बात हुई उन लोगों से, तो उन लोगों ने बस एक ही बात यही बोल रहे हैं कि अभी कुछ पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। सब लोग बस ऐसे ही, मतलब बस वो लोग बस इसमें बस विश कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए जल्द से जल्द, क्योंकि उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अभी सारी फ्लाइट्स बंद हो चुकी है, हो सकता है वहाँ पर भी इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या हो सकता है इंटरनेट भी बंद हो जाए, तो वो अपने पेरेंट्स से भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अभी वो बहुत डरे हुए हैं और बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब अभी बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि बस सब कुछ सही हो जाए। तो बस मेरा भी यही है कि विश करती हूँ कि सब कुछ सही हो जाए जल्दी जल्दी। वहाँ पे भी ये चीज़ सुनने में आई थी कि जो किराया है वो अचानक बढ़ा दिया गया है। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको इतना किराया भी नहीं है खंडवा से या अपने शहर सिटी कहीं लौट हाँ के। जी, एक्चुअली जो नॉर्मल प्राइस होता है वो 25 से 30,000 अराउंड होता है, या फिर उससे भी कम अगर हम बहुत जल्दी, या वो डिपेंड करता है हम जल्दी या कब फ्लाइट कर रहे हैं। पर अभी हमने देखा तो प्राइजेस लाइक अप टू 60,000, 60,000 प्लस प्राइजेस गए थे। मेरी खुद की टिकट 60,000 प्लस की हुई थी, तो अभी 70, 80, 85,000 की टिकट्स भी हुई है सिर्फ कीव टू दिल्ली की। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं इस चीज़ पे, मतलब हम लोग एक्चुअली जब हमने टिकट के प्राइजेस देखे थे तभी हम लोगों का ऐसा हो गया था कि इतने इतने प्राइजेस, वो भी ऐसे सिचुएशन में, लाइक ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, और इसमें अगर आप बिजनेस या फिर अगर आप ऐसे कुछ सोच रहे हो तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी बच्चे प्रेजेंट, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। मतलब है वहाँ पे कोई, हर कोई इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या फिर इतना स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली कि हर कोई इतना अफोर्ड कर सके। तो बहुत सारे लोग, बच्चे इस वजह से भी वहाँ पे रुके हुए थे कि हम लोग के पास, मतलब लाइक अभी हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, अभी हम लोग का नहीं नहीं हो पाएगा, तो कुछ बच्चे वहाँ पर इस वजह से भी रुके हुए थे। तो ये चीज़ बहुत गलत है कि आप ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हो, आप किसी भी इंसान, किसी भी मतलब मजबूर इंसान का फ़ायदा उठा रहे हो, ये चीज़ बहुत गलत तो है। वहाँ पे जो माहौल बना था युद्ध को लेकर वो कब से बना था और क्या कब से स्थिति बनी उसकी। अराउंड 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले ऐसी न्यूज़, हमने बस हल्की फुल्की न्यूज़ आई थी ऐसे कि हाँ रशिया एंड यूक्रेन का कुछ होगा, देन हम आपस में डिस्कशन करते थे, और भी हमारे टीचर्स थे जो यूक्रेनियन, हम उनसे बात करते थे कि मैम या सर ऐसा ऐसा कुछ हमने सुनना सुना है, तो वो लोग कहते थे कि देखो इस पर, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो क्योंकि ये हमेशा होता है, ये इन लोग का कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, तो इतना ध्यान मत दो इन सब चीज़ों पे, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड यही करते करते हुआ, काफ़ी टाइम निकला, बट ये था कि चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगी और फिर यू नो सब लोगों को पता चलने लग गया, और सब सब लोग मतलब, तो हम लोग फिर हमारा ध्यान वहाँ से अपने आप ही, हम लोग मतलब हमारा दिमाग वहाँ जाने लग गया, तो फिर बहुत सी चीज़ें हमने सोचा कि नहीं, हम लोग चाह रहे थे कि नहीं ठीक है हम लोग मतलब ना इस चीज़ पे ध्यान दें, हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, बट ये था कि हम पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कंटिन्यूसली पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे, रिलेटिव्स के फ़ोन आ रहे थे, और सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे थे कि तुम लोग कहाँ पर हो, और फिर हम लोग भी डेली जब भी फ़ोन खोलते थे कुछ ना कुछ न्यूज़ रहती थी कि ऐसा हुआ है, और हमेशा नेगेटिव न्यूज़, तो थोड़ा इससे बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए, कि मतलब बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही थी, बस हम क्लासेस ज्वाइन कर रहे थे, अटेंड कर रहे थे, पर दिमाग मतलब एक होता है उस वही बस वही चल रहा था। भारतीय दूतावास की क्या भूमिका रही है, मतलब आप लोग वापस भारत लाने में। मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा जो भी चीज़ें हुई बहुत मतलब थोड़ी सी लेट हुई इंडियन एम्बेसी के तरफ से, क्योंकि 16 को ऐसा मतलब ऐसा सुनने में आया था कि 16 को कुछ होने वाला है, बहुत लोगों के न्यूज़ में भी आया था, तो 15 अगर नहीं हुआ मैं जानती हूँ, बट फिर भी 15 फरवरी को एडवाइजरी आई थी इंडियन एम्बेसी के थ्रू
इंडियन एम्बेसी की तरफ से कि आप अपने अपने लाइक आप जा सकते हैं अगर आपको जाना है तो। और 14 फरवरी को ही यूक्रेन में फ़्लाइट बंद हो चुकी थी, कुछ फ़्लाइट्स बंद हो चुकी थी 2-3 दिन के लिए। तो बच्चों का ये कहना था कि अगर आपने 15 फरवरी को एडवाइजरी दी है तो आप फ़्लाइट्स की भी अरेंजमेंट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आए। लाइक हमें लग रहा था कि बस एक फॉर्मेलिटी है हमारे लिए, वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग एक्चुअली में आए या कुछ, बस एक फॉर्मेलिटी है पेरेंट्स को दिखाने के लिए और मतलब इन लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग हैं आप लोगों के साथ। बट हमें ऐसा नहीं लग रहा था उस टाइम, हम लोग बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे क्योंकि एकदम से एडवाइजरी आती है और नेक्स्ट डे 16 थी, हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे कि करें तो करें क्या। देन 16 को कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि जो फ़्लाइट्स वो नॉर्मल रेट पे आ जाए। बहुत बहुत रिक्वेस्ट गई सारे जितने भी एम्बेसी, मतलब जितने भी हमारे पास कॉल कॉन्टैक्ट जितने भी थे, सब सबको बहुत सारे मैसेजेस गए कि जितना भी प्राइस है वो नॉर्मल, एटलीस्ट नहीं 30,000 तो आप 40-50 तक भी कर दीजिए, पर 80-90,000 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि वहाँ पर जितने भी लोग अभी हैं आप उन्हें इवैक्यूएट करवाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे। अभी बिजनेस ना देख के या फिर ये चीज़ ना देख के कि मतलब हम किसी से पैसे निकालें इस वक्त पे, हम ये कोशिश करेंगे कि हाँ वो लोग जल्द से जल्द अपने अपने घर पहुँचें, सेफली पहुँचें, ये ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। यूक्रेन में जंग के हालात, दर्शिका से आज हमने इसी लेकर चर्चा की। ईटीवी भारत के लिए खंडवा से दीपक सपकाल।